मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी सुबह का 7 बजा है, 7 बजे से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं जस्ट सो के उठी हूँ। आपको मेरा मुंह से मालूम गिरता होगा कि मेरा मुंह फुला हुआ है। देखिए अभी मैं चाय भी नहीं पी हूँ। अभी मैं पहले भुजिया बिठा दूँगी, फिर चाय पीऊँगी आराम से। तो अभी आज मैं बैंगन का भुजिया और रोटी बनाऊँगी नाश्ते में। तो आज बैंगन बहुत सारा था ना, तो इसीलिए मैं बैंगन ख़राब हो जाएगा, इसीलिए मैं बैंगन का भुजिया और रोटी बनाऊंगी। तो आप लोग मेरा वीडियो में बने रहिए, मैं तब तक नाश्ता बना लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। तो देखिए अभी मैं बैंगन काट चुकी हूँ। अभी मैं बैंगन का भुजिया बनाऊंगी। सिर्फ जीरा का छौंक दे के मैं बैंगन को भूज दूँगी और थोड़ा सा लंका का पाउडर दे दूँगी ऊपर से। तो अभी देखिए बैंगन का भुजिया मेरा बैठा के इस तरफ मैं गैस में रोटी बना लूँगी फटाफट से। देखिए रोटी गैस में अच्छा होता है ना, इसीलिए मैं गैस में रोटी बनाती हूँ। नहीं तो रोटी मेरा इंडक्शन में ज़्यादा अच्छा से नहीं होता है, फूलता नहीं अच्छा से, इसीलिए कड़ा हो जाता है, इसीलिए मैं रोटी गैस में ही बनाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं अभी मेरा नाश्ता बन चुका है। मैं अभी ससुर जी को और हस्बैंड को दे रही हूँ, मैं भी कर लूँगी नाश्ता। तो मैं थोड़ा रोटी में ना घी लगा के खाती हूँ। मैं रोटी में मुझे अच्छा लगता है घी लगाने खाने के लिए, तो मैं इसीलिए मैं थोड़ा घी लगाती हूँ। और ससुर जी तो कटोरी में खाते हैं, बूढ़ा आदमी है ना, तो रोटी को भिगो के खाते हैं, तो उनको कटोरी में देना पड़ता है। और मैं घी के साथ खा लेती हूँ रोटी। तो अभी हम लोग नाश्ता कर लेंगे पहले, फिर मैं घर का सारा काम करूंगी। तो देखिए दोस्तों, हम लोग का डॉगी कितना बदमाशी कर रहा है। ये लोग का खाने का समय हो गया ना, ये लोग कैसे बदमाशी करते रहते हैं, देखिए कैसे बदमाशी कर रहा है। और घर में जो कुछ भी होता है ना, कुछ भी उसको सामने में आता है तो सब खुल मुंह में लेके बाहर काट देता है, पूरा बर्बाद कर देता है पूरा। देखिए कागज़ कहाँ से वो लोग को मिला है, ये कागज़ को देखिए कैसे टुकड़ा टुकड़ा करके रखे हैं पूरा पूरी। इसके लिए हम लोग कुछ भी नीचे नहीं रखते हैं, फिर भी इन लोग को कैसे मिल जाता है क्या मालूम, कहाँ से इन लोग को मिलता है कागज़ वगैरह क्या मालूम। सब हम लोग छुपा के रखे हैं इन लोग उनके लिए, क्योंकि ये लोग जो भी मिलता है ना सब उसको खा भी देते हैं, क्योंकि उन लोग क्या मालूम कागज़ खाने से क्या होता है, वो लोग कागज़ को भी खा देते हैं। और जो कुछ भी मिलता है सबको वो लोग मुँह में दबा के टूटा के रख देते हैं पूरा। तो देखिए कितना बदमाशी कर रहा है। देखिए आगे अगर हम डांटेंगे ना तो ऐसे सो जाएगा, ये डांटे ना तो ये सो गया लोग चुप से। देखिए कैसे सो गया चुप से, देखते हैं कैसे कुछ जैसे नहीं मालूम, मैं डांट रही हूँ ना तो चुप सो गया, जैसे कुछ नहीं मालूम उसको। लेकिन ये वाला बहुत बदमाशी, ये डांटने से भी नहीं सुनता, ये बात जितना डांटी है ये सुनता नहीं है, अपना जिद्दी से रहता है पूरा, और भी ऊपर से भोंकते रहता है। और बहुत बदमाश शरारत यही वाला ही है, तो वो थोड़ा शांत है, उसको डांटने से वो सुनता है, लेकिन ये इसको डांटने से भी ये नहीं सुनता है। जो मिलता देखिए कागज़ खा रहा है। देखिए अभी उसको बोलेंगे निकालो तो नहीं निकालेगा, देखिए कितना बदमाशी कर रहे है। वो देखिए उसको डांटे तो चुपचाप सो गया। दोस्तों अभी मेरा पूरा खाना बन चुका है। मैं सुबह रिकॉर्डिंग कर रही थी तो मेरा मोबाइल का पूरा चार्ज खत्म हो गया, मैं चेक नहीं की थी,
तो रिकॉर्डिंग करते करते मेरा मोबाइल बंद हो गया आधे में, तो मेरे उसको मोबाइल को मैं चार्ज में बैठाई थी, तो मेरा जो चार्जर है ना बहुत लेट होता है चार्ज होने के लिए, बहुत लेट से चार्ज होता है पूरा। तो देखिए सुबह से बैठाई हूँ, अभी सिर्फ 40% हुआ है चार्ज। तो मैं सोची आपको से थोड़ा बात कर लूँ। तो मैं नहा के पूजा उजा करके मैं अभी खाना मेरा सब बन चुका है, अभी 1:30 बज रहा है, मेरा ससुर का खाने का समय हो गया है, ससुर जी को मैं खाने दे दूँगी। अभी मेरा हस्बैंड नहीं है घर पे, वो आएंगे तो हम लोग दोनों फिर खाना खाएंगे। तो इसीलिए मैं कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, अभी और भी 60% बाकी है चार्ज होने के लिए। तो मैं जा रही हूँ आपसे थोड़ा बात करके फिर चार्ज में बैठा दूँगी मोबाइल को, नहीं तो मोबाइल फिर रात को फिर ख़त्म हो जाएगा, मैं वीडियो भी एडिटिंग नहीं कर पाऊँगी। तो अभी से आगे बैठाऊँगी तो 3 बज जाएगा मेरा पूरा फुल चार्ज होते होते, तो मैं फिर जा रही हूँ अभी चार्ज में बैठा दूँगी। मैं तो वीडियो नहीं बना पाई इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ आज मैं लंच में क्या क्या बनाई। ये बैगन का फ्राई किया हूँ, बैगन को गोल गोल काट के देखिए, ये इतना बड़ा बड़ा पीस करके मैं बैगन को भुजा किया हूँ, और ये सीम को मैं लहसुन दे के फ्राई किया हूँ, और ये आलू फूल गोभी का सब्ज़ी है, और ये दाल है, और यहाँ भात है, और कल का मटन है, कल मटन बना था हम लोग घर में, तो वो मटन हम लोग खा लेंगे, मेरा हस्बैंड और मैं, ससुर जी को नहीं देंगे क्योंकि वो बीमार आदमी है ना, तो उनको बासी हम लोग नहीं देते हैं, तो खुद हम लोग खा लेते हैं। मैं खाली आज ससुर जी के लिए बनाई हूँ खाना बनाई हूँ आज, और थोड़ा थोड़ा बनाई हूँ, और थोड़ा थोड़ा बचा है तो मेरा हस्बैंड खा लेंगे, मैं सिर्फ मटन दे के भात खा लूँगी। मटन होने से मुझे और कुछ भी अच्छा नहीं लगता खाने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, मैं ससुर जी को खाना दे के आती हूँ, आप तब तक मेरा वीडियो में बने रहिए। तो मेरा अभी लंच हो चुका है, लंच के बाद मैं बर्तन वगैरह भी साफ कर चुकी हूँ, तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, सोची आपसे थोड़ा बात कर लूँ। तो दोस्तों आपको मैं एक ठो कबूतर दिखा रही हूँ, देखिए आप लोग ऐसे कलर का कबूतर कभी देखे या नहीं कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं तो कभी नहीं देखी हूँ इसी कलर का कबूतर, आपको मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, देखिए आप लोगों यही बार आप वो कबूतर है, देखिए दोस्तों लाल कलर का, लगता है कि वो शायद घोंसला बना रही है यहाँ पर, क्योंकि वो यहाँ पर जो देख रहे हैं ना आप, देखिए यहाँ पर जो है ना कबूतर जो बैठी है वहाँ पर आके बार बार बैठता है, और उसके साथ घोंसला भी बना रहा है, मेरा को लगता है वो यहाँ पर आके घोंसला बना रही है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने को मत भूलिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर नया वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।